क्वेश्चन दे रखा है, दो शहर है आपके, एक ए टाउन है और एक बी टाउन है। यहाँ पर 0 से 15 साल के जो लड़के हैं जो 15,000 में से 360 मर जाते हैं एक साल में, और बी टाउन में 500 मर जाते हैं 20,000 में से। यहाँ तो 15,000 में से, यहाँ कितने 20,000 में से, 15 से 30 साल के जो है आपके 20,000 में से 400 की डेथ हो जाती है, और यहाँ 52,000 में से 40 की डेथ होती है। फिर है 50 से 90 में 5,000 में से 40, और यहाँ 8, 2, 40 टोटल दे रखा है। यहाँ की पॉपुलेशन टोटल 40,000 है, इसमें 900 आदमी मर जाते हैं, और ऐसी जगह में कितने मर जाते हैं, 1780 मर जाते हैं। हमें याद करना है कौन सा शहर अच्छा है, तो कौन सा अच्छा होगा जिसमें डेथ रेट क्या होगी, ज़्यादा है कम, कम होगी, क्योंकि ज़्यादा मरेंगे तो फिर वहाँ शहर में कौन जाएगा। हमें जिसकी डेथ रेट कम है वो याद करनी, सबसे पहले याद करेंगे इसकी डेथ रेट। हम याद करेंगे, देखो एक ही हम याद करेंगे डेथ रेट, पहले हम याद करेंगे क्रूड डेथ रेट। क्रूड मतलब सबकी अलग अलग, इसकी अलग याद, इसकी अलग, जिसे बोलते हैं CDR। अलग अलग याद करेंगे तो हो जाएगा CDR, एक साथ याद करेंगे कंबाइन तो हो जाएगा SDR। पहले हम क्या करें, कंबाइंड याद करेंगे, मतलब इसका इसका डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट हमेशा याद होती है 1,000 व्यक्तियों पर। जैसे जो भी CDR हम याद करेंगे एक के लिए, देखो 900 आदमी की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, कितने हजार को हुई, 40,000 को हुई, तो बताओ 1,000 पर कितनी होगी। हमें 1,000 पर याद है, तो हमेशा जनसंख्या वाला जो भी सवाल आता है पॉपुलेशन का, उसमें किससे गुणा करते हैं, 1,000 पर याद करते हैं। जैसे क्या कहते हैं 1,000 पर लड़िया कितनी है, तो 1,000 पर याद करते हैं, 1,000 पर देखो कितना होगा, ये हो जाएगा 900/40,000 × 1,000, ये हो जाएगा आपके 22.5%। अब हम इसी प्रकार बी की भी क्या करेंगे, हम क्रूड डेथ रेट ज्ञात करेंगे, क्रूड डेथ मतलब अलग ज्ञात करेंगे, इसकी अलग ही लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 1780 की मृत्यु हुई 80,000, तो बताओ 1,000 पर कितना, ये हो जाएगा 1780/80,000, पसने निकालेंगे तो आएगा आपके 22.25, 100 से गुणा करना है। देखो पसने होता है लिखते हैं ध्यान से, पसने नहीं है, ये 1,000 पे लिया था, ये किसका मतलब होता है, 100 का मतलब होता है, यहाँ 0 और लगाएंगे कितना हो जाएगा आपके 1,000। ये पसने दे रखा है, पसने भी 0 लगाएंगे, इसका जो ये रेट दे रखी है वो 100 पर नहीं है, वो रेट किस पर है आपके 1,000 पर है, इसका मतलब 100 या फिर 0 लगा दिया, तो कितना हो गया आपके 1,000। इन दोनों बिल्कुल नज़दीकी उत्तर है, यहाँ 22 या भी 22 है, तो हम फिक्स नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या ये अच्छा है। अब हम क्या करें, कंबाइंड याद करेंगे, कंबाइंड कैसे याद करेंगे, देखो कंबाइंड में हमेशा एक तो लेंगे हम किसकी, तो लेंगे कौन सी, प्रति हज़ार, यानी बी का तो लेंगे हम माइनर डेथ लेंगे, और ए की क्या लेंगे हम पॉपुलेशन। अब याद करेंगे कि क्या होता, तो डेथ दे रखी कितनी, देखो एक कितनी डेथ दे रखी है आपकी, पटने लेंगे किस पर, 1,000 पर 1,000 पर डेथ कितनी है, और पॉपुलेशन तो वो है, तो कितने 15, 20, 5, कितना हो गया आपके 15,000, 20,000, और कितना हो गया 5,000। अब कंबाइंड लेंगे हम, इससे हम मालूम पड़े, दोनों याद करने का पता नहीं, क्यों एक याद कर लो, इसकी डेथ लेंगे और इसकी पॉपुलेशन लेंगे, तो इसकी डेथ कितनी 1,000 पर लेनी, तो देखो 500 दे रखे हैं आपके 20,000 पर, तो बताओ कि 1,000 पर कितना, 500/2,000, तो ये हो गया आपके 2.5। सही होता है, सही। अब कितना है 1,040/2 कितना है आपके 52,000, हम परसेंट निकालें कितना होता है आपके, इनटू करेंगे 1,000 से गुणा, ये आ जाएगा आपके 20। 8,000 को भाग देंगे हम किससे, 240/8 से देंगे,
ये आ जाएगा आपके 30। अब हम गुणा करेंगे, हम ये भी गुणा कर दोनों को, इन दोनों गुणा करना है। तो ये तो है मान लो x, ये क्या है आपके w, हम कर देंगे डब्लू एक्स। 25 × 15,000 ये हो जाएगा 375,000। 20 × 20,000 ये हो जाएगा आपके 4,00,000। और ये हो गया आपके 1,50,000। 3, 4, 7, 9, 9,00,000 कितने हो गए आपके 25,000। और ये कितनी होगी डेथ, कितनी पॉपुलेशन 15,000 + 20,000 + 5,000 ये हो गया आपके 40,000। और ये होगा डब्लू आप, और ये क्या है आपके एक्स दे रखा है, क्योंकि अभी जब हमने याद किया था डब्लू नीचे आता है, ये पॉपुलेशन नीचे आती है। अब हम याद करेंगे एस टी आर कंबाइंड, तो कितना आएगा 40,000 / 9,25,000 इनको कितना कर देंगे हम 100 कर देंगे हजार, तो ये हो जाएगा 40,000 / 9,25,000 × कर देंगे 1,000। 40,000 ये है, 40 कहाँ है, ये प्रॉब्लम नीचे आती है ना, तो कितना हो जाएगा 9,25,000 भाजक कितना आ जाएगा 40,000। ऐसे करना 9,25,000 भाजक हो जाएगा 40,000, ये आ जाएगा आपके 23.125। ये आया कितना आपके 23.125 आया, मतलब अब ये जो दे रखा है आपके ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है बी में डेथ, हमने क्या ली थी डेथ ली थी बी की, मतलब बी से में डेथ ज़्यादा हो रही, तो बताओ ज़्यादा बेटर कौन होगा आपके, ए इज बेटर, क्योंकि जो परसेंटेज आ रहे थे उससे वहाँ क्या आ रहा है, मतलब ज़्यादा आ रहे हैं, बी की डेथ ली हमने तो बी की डेथ ज़्यादा आ रही है। अगर यह उत्तर कम होता, उत्तर होता 21 या 20 उत्तर होता, तो कौन सा शहर सही होता आपके, बी शहर, लेकिन बी की डेथ ली और ए की पॉपुलेशन ली तो परसेंट क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। अब आप अगर चाहो तो इनकी डेथ और इनकी पॉपुलेशन ले गए तो आप उत्तर 22 से कम ही आएगा, या 22 के पास आएगा या 22 से कम ही आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आ गया उसका क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि यहाँ उत्तर इक्वल आ रहे हैं, जैसे हमने इनको चेंज किया, इसकी डेथ इसकी पॉपुलेशन ली या इसकी डेथ इसकी पॉपुलेशन ली, तो ऑटोमेटिक आपने जैसे हमने बी की डेथ ली है तो जो आंसर आएगा वो बी का आंसर है, मतलब बी की डेथ ज़्यादा है बी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा आपके बेटर हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हो तो ही वो करना है, ये वाला कब करना है, जब दोनों इक्वल आ जाए, समथिंग बिटवीन पॉइंटों का ही अंतर हो तो हम ये करेंगे, और अगर ये दोनों अलग अलग है 2% का या 1% का फर्क है पूरा, ये 22 या 23 24 आ रहा है, तो हम यहाँ के लिए करेंगे क्वेश्चन, ये वाला करने की आवश्यकता नहीं है।